हाय फ्रेंड्स, यात्राएं जीवन में बहुत कुछ सिखाती हैं और अगर वो साहसिक यात्राएं हों तो उनका मजा ही कुछ और होता है। प्रकृति के साथ 24 घंटे रहने का मतलब यह है कि आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा ही प्रयास किया गया हमारे ग्रुप के द्वारा एक एडवेंचर ट्रैकिंग का, जो उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में हिमालय के पास स्थित है, जिसका नाम है देवीकुंड। वहां तक की यात्रा में आपको ले चलता हूं। देखिए कैसे है ये यात्रा और कैसे करनी पड़ती है ये यात्रा और क्या क्या जुटाना पड़ता है इस यात्रा में और फिर क्या मजा आता है प्रकृति के साथ रहने का। सोंग लोहार खेत के रास्ते आज भी वही हैं जो आज से 30 साल पहले हुआ करते थे। पत्थर की चट्टानें, सामने पहाड़ और उसके बाद खड़िया, ये बहुत स्लिपरी रास्ते हैं। यहाँ पे रास्ते में जगह जगह गड्ढे हैं। ये सरमूल से आने वाली सरयू यहाँ से बह रही है। ये झरने हैं जो अभी सूखे हुए हैं, बरसात आने पे अचानक ही बढ़ जाते हैं। सामने ऊपर पहाड़ों की ओर हमें जाना है। रास्ता खराब है, सामने वाली गाड़ी फंसी हुई है, इसलिए हमें भी रुकना पड़ा है। देखते हैं कब रास्ता खुलता है, इंतज़ार है। यहाँ के लोगों के लिए ये रोज़ नॉर्मल बात है, रास्ता बंद होते रहता है, खुलते रहता है। लोहार खेत से ढाकुरी पास की चढ़ाई चढ़ने के बाद ये जगह आती है जिसे ढाकुरी कहते हैं। ये एक समय में बहुत पॉपुलर जगह हुआ करती थी क्योंकि यहाँ से हिमालय दृश्य दिखलाई देते हैं। टेंट पीक, भनोटी, दुर्गाकोट, मैकतोली, नंदाकोट देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं और ये बहुत ही पीसफुल जगह है। लेकिन आजकल यहाँ पे बहुत नज़दीक में धूर जो जगह है वहाँ पे गाड़ियाँ आने लगी हैं, तो इसके लिए ट्रैक सिर्फ 3 किलोमीटर का रह जाता है, इसलिए बहुत ही आसान हो गया है यहाँ तक पहुँचना। और इस जगह से आपको दो वैली दिखलाई देती हैं। एक वैली है पिंडारी ग्लेशियर की और दूसरी है सुंदरढुंगा, जहां से आप जाते हैं सुखराम, देवीकुंड, नागकुंड। ये जगह इतनी शांत है, इसका आनंद लेने के लिए पर्यटक वर्ष भर यहां पहुंच सकते हैं। विंटर में ये जगह ये बुग्याल बर्फ से ढक जाते हैं। ढाकुरी से नीचे एक गाँव आता है खरकिया, और खरकिया वो जगह है जहाँ आजकल जीपें पहुँच सकी है। यहाँ से रोड कटिंग हो रही है जो खाती गांव की ओर जा रही है। खरकिया से निकलने के बाद ये पहला स्ट्रीम है जिसमें पत्थर का पुल बना हुआ है और शुरुआत हो गई है इस पुल से आगे बढ़ने की। पहुँचेंगे धीरे धीरे खाती। यहाँ तक पहुँचने के रास्ते बहुत डरावने, बड़े खतरनाक हैं। बरसात में वो और भी रिस्की हो जाते हैं। यहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि सड़कें तो बन रही हैं, बजट तो आ रहा है, लेकिन हालत खराब है, रिस्क बहुत है। ये पहाड़ बहुत कच्चे हैं, वो कभी भी टूट सकते हैं। ये रास्ता खाती गाँव के लिए बन रहा है। खाती जो एरिया जो है पिंडारी ग्लेशियर के नीचे है, जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की ओर आता है। ट्रैकिंग के लिए ये लकड़ी के पुल के ऊपर से चढ़ना होता है, जो बहुत ही रोमांचकारी होता है क्योंकि दोनों ओर पानी आपको दिखाई दे रहा है और इन लकड़ियों के बीच में गैप होता है। लकड़ियाँ थोड़ा स्लिपरी भी हो सकती हैं। मैं आपको फिलहाल इस नज़ारे को दिखला देता हूँ। ये है नीचे की ओर जा रहा पानी जो ऊपर झरनों से होके आता है, और ये है हमारा ट्रैकिंग रूट जो बिल्कुल घास से ढका हुआ है, ट्रेल लगभग छिप जाते हैं, और ये है वाटरफॉल। यही नज़ारा है प्रकृति का और इसी का मजा है। खाती के लिए नए रास्ते बन रहे हैं, कुछ दिनों के बाद ये सड़क खाती गांव पहुंच जाएगी। खाती गांव बेहद खूबसूरत है। ये है खाती गांव जिससे एक रास्ता पिंडारी ग्लेशियर को जाता है, जहां से पिंडर रिवर निकलती है। ये नदी जो है पिंडर नदी है, जो पिंडारी ग्लेशियर से आती है,
और वो नदी है सुंदरडुंगा की ओर से आने वाली। इस जगह में रिटंग के नीचे इन दोनों नदियों का संगम होता है जो आगे जाके पिंडर बन जाती है। तो ये हमारा ट्रैक जो है इस रास्ते से ऊंचाई की ओर जाता है। ये झूला पुल है जो पिंडर नदी को हमें क्रॉस करना पड़ता है। तो ये अपने आप में बहुत सुंदर जगह है, दोनों रास्तों का जंक्शन प्लेस। ये है सुंदर ढुंगा नदी जो वाटरफॉल्स के साथ मिलते हुए आगे काफ़ी बड़ी हो जाती है। और ये ट्रैक जैतुली को जाता है। यहाँ पे है रेस्ट प्लेस जहाँ पे पर्यटक थोड़ी देर रुक के विश्राम कर लेते हैं। अभी इस महीने में जो यहाँ की वेजिटेशन है, चारों ओर ग्रीनरी है क्योंकि बरसात अभी अभी ख़त्म हुई है। और ये ट्रैक भी बहुत मस्त हो चुका है। जंगलों से होते हुए हम यहाँ पहुँचे। इस जगह का नाम है जैतुली। और जैतुली में बहुत सुंदर ये बंगला हमें मिला है रात को रहने के लिए। यहाँ पर एक सुंदर लॉन है जिसमें हमारी कल सुबह जाने के लिए पैकिंग चल रही है। ट्रैकिंग की तैयारियाँ हो चुकी हैं। स्लीपिंग बैग, मैट्रेस और खाने का सामान, सारी चीज़ें, अपने रेनकोट से लेकर के सारे पर्सनल गियर्स सारे पैक किए जा रहे हैं क्योंकि कल सुबह हमें आगे की यात्रा जो इन बादलों के बीच में है वहाँ के लिए तय करनी है। रास्तों का पता हमें जब वहाँ पे पहुँचेंगे तभी चल पाएगा। इस गांव जैतुली में एक बहुत सुंदर फसल दिखलाई दे रही है। ये सामने राजमा की खेती जिसकी दाल हमने कल बनवा के खाई थी। और ये सुंदर गांव ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से दिखलाई दे रहा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ यहाँ पे दिखलाई दे रहे हैं। और आज मौसम में सुबह तो ठीक थे लेकिन अभी कुछ बादल आ गए हैं, देखते हैं शाम तक। जैतुली, वहां पर एक बड़ा सा लैंडस्लाइड है जहां पर नीचे से नदी बह रही है और ऊपर वो लैंडस्लाइड आया हुआ है, उसमें कई पेड़ टूट करके आए हुए हैं और इस लैंडस्लाइड के ऊपर से ही जाता है हमारा ट्रैक। जैतुली अंतिम बेस कैंप है, अंतिम गांव है जहां पर आपको अपनी सुविधाओं के लिए या जितने दिनों के लिए आप हिमालय की यात्रा कर रहे हैं उसके सामान जुटाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। यहीं से पोर्टर्स को लेना पड़ता है। और एक बात मैं आपको याद दिला दूं, ये ट्रैक रूट इस तरह के हैं कि इसमें घोड़े खच्चर नहीं चल सकते, पूरे ट्रैक मैनुअल हैं। अगर आगे जाना है तो अपने पास समुचित प्रबंध होना बहुत जरूरी है क्योंकि रास्ते कहीं कहीं जगह पे प्रकृति के द्वारा बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस बना दिए गए हैं क्योंकि एक बारिश के बाद हमेशा ट्रैक रूट बदलता है। मैं आपको इसमें कुछ एपिसोड अपने शॉर्ट वीडियोस दिखा रहा हूं, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। आगे भी यात्रा वृत्तांत जारी रहेगा। थैंक्स अ लॉट।